नमस्ते, मैं हूँ काजल। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ से आसना जो आपके चेस्ट एंड शोल्डर ओपनिंग के लिए है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके शोल्डर्स जो है टाइट होते हैं, या फिर आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं तो आपके शोल्डर्स के मसल्स टाइट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे आसना जो आप अपने रेगुलर आसनाज या वर्कआउट में ऐड करेंगे तो धीरे धीरे आपके शोल्डर्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, आपके जो बॉडी के मसल्स टाइट है वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होने लगेंगे। लेकिन उसके पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम शुरुआत करते हैं गौमुखासन से। गौमुखासन करने के लिए मैं आपको पहले बता देती हूँ आपको किस तरीके से करना है। पहले अपने दोनों पैरों को आप इस तरीके से आगे कर लीजिए, और आपका जो राइट पैर है आपको इस तरीके से मोड़ते हुए अपने हिप को टच करना है। मैं आपको एक बार इस साइड से बता देती हूँ आपको किस तरीके से करना है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपका जो राइट पैर है वो आपको इस तरीके से मोड़ते हुए आपके हिप को टच करना है, एंड सेकंड पैर जो है आपको इस तरीके से आपके नी जो है दोनों एक लेवल में होना चाहिए। मैं आपको एक बार आगे से भी बता देती हूँ। जब आप गौमुखासन करें आपका राइट पैर आपके हिप को टच होना चाहिए, आपको उस पर बैठना भी नहीं है, आपका बस इतना ध्यान रखना है कि आपके हिप को टच हो। सेकंड पैर आपका नी जो है वो ज़्यादा इस तरीके से पीछे नहीं होना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा ही ओवर आगे नहीं होना चाहिए। आपको इस तरीके से आपके नीज को ऐसे लेवल में रखना है, यानी एक बराबर होना चाहिए आपका नी। और आपका ये पैर जो है अगर थोड़ा आपके हिप से दूर है ऊपर वाला पैर तो वो चलेगा। आप धीरे धीरे इनको अपने हिप के पास लेके आ सकते हैं। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये धीरे धीरे आपके हिप से थोड़ी थोड़ी टच होने लगेंगे। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पैर ऊपर है वो हाथ इस तरीके से ऊपर करें, और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे की तरफ करें, और आपके दोनों हाथों को इस तरीके से आपको पकड़ना है। और ये आसन जो है आपके शोल्डर्स ओपनिंग में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके चेस्ट ओपनिंग में भी ये आसन हेल्प करेगा आपको। अगर आपको किसी भी प्रकार की इंजरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, या बैक पेन बहुत ज़्यादा है तो आप ये आसन ना करें। अब हम करते हैं सेकंड आसन, जिस आसन को बोलते हैं अधोमुखासन। तो अधोमुखासन करने के लिए आपको पहले आगे की तरफ में लेट जाना है, फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखते हुए आपके पैरों को आगे लेके आइए। इस तरीके से आप कैट पोज में जाना है आपको, फिर धीरे धीरे अपने बॉडी को ऊपर उठाते हुए अपने पैरों को एडजस्ट कर लीजिए, और जितना हो सके आपको उतना नीचे की तरफ जाना है। इस आसन को करने के लिए आपको फिर से काउ पोज में आ जाना है, अपने बॉडी को धीरे धीरे आपको इस तरीके से नीचे की तरफ लेके जाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो बॉडी है ऐसे आगे की तरफ ज़्यादा ना आए, या फिर ज़्यादा पीछे की तरफ ना जाए। आपको नॉर्मली जैसे हम काउ पोज में आना है, और आपके हाथों को धीरे धीरे आप आगे की तरफ लेके जाए, और आपके पैर को स्ट्रेट रखे। आपका जो हिप है वो स्ट्रेट रहना चाहिए, और जब भी आप इस पोज में आए तो आपका नॉर्मल ब्रीदिंग रहना चाहिए। आपको ये सारे आसन करने के पहले ये ध्यान रखना है कि अगर आपके शोल्डर में पेन हो, या फिर इंजरी किसी प्रकार की हो, या फिर चोट लगी हो,
आपके पैरों में भी, आपके शोल्डर या बैक में इस तरीके का कोई भी इंजरी ऑपरेशन हुआ हो तो आप ये आसन ना करें। अगर आपको शोल्डर, पैर या कमर में थोड़ा पेन है तो आप ये आसन कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप ये आसन ना करें। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।